नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर। जो लोग एनडीटी लेवल 2 या तो लेवल 3 करना चाहते हैं, या तो लेवल 1 करना चाहते हैं, या जो लोग सी स्वीप करना चाहते हैं, या तो बिगेस्ट करना चाहते हैं, सी स्वीप हो या बिगेस्ट हो, कोई भी करना चाहते हैं, या तो फिर आप एक विजुअल इंस्पेक्टर के तौर पर वगैरह जो जाने जाते हैं, या वेल्डिंग इंस्पेक्टर के ऊपर काम करना चाहते हैं, या तो आप कैनेडियन वेल्डिंग ब्यूरो जो कैनेडियन का एग्जाम होता है उसका भी आप एग्जाम देने जाते हैं, तो आपको कलर ब्लाइंडनेस चेक करना बहुत जरूरी है। ये जो कलर ब्लाइंडनेस है आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। इसमें बहुत सारे प्लेट है, टोटल लेटेस्ट कितने प्लेट है, 38 प्लेट लेटेस्ट जो है, इसको इशिहरा चार्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इशिहरा चार्ट। तो जनरली जो लोग आंखों का प्रॉब्लम है, जिसको बहुत सारे डिफिशियंसी होता है, किसी को रेड कलर रेड ग्रीन डिफिशियंसी होता है, किसी को डिटोनोरापिया जैसा करके बहुत सारे यहाँ पे डिफिशियंसी में आज डिस्कस करेगा वो आएगा, किसी को कलर ब्लाइंडनेस होता है, किसी को स्ट्रॉन्ग कलर ब्लाइंडनेस होता है, किसी को मीडियम कलर ब्लाइंडनेस होता है, किसी को एकदम पूरा का पूरा कलर ब्लाइंडनेस ही होता है, तो ऐसे बहुत सारे डिफेक्ट आएगा। तो आइए हम एक 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 पॉइंट बाय पॉइंट स्टार्ट करते हैं। देखो ये मैं आज समझाने जा रहा हूं आपको, जब आप एनडीटी लेवल 1 लेवल 2 या लेवल 3 करेंगे तो पहला आपका टेस्ट जो होगा वो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होगा। अगर आप कलर ब्लाइंडनेस पास है, डॉक्टर आपको सर्टिफिकेट जब देता है ना, आप जाते हैं ना आंखों में, ये क्या लिखा है, ये कलर क्या लिखा है, ये कलर क्या लिखा, दो नंबर तीन नंबर, तो ये सब चीज का डिस्कशन है। ठीक है, ओके, आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स टेस्ट फॉर कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, टाइप टेस्ट फॉर कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, और इसको इशिहरा चार्ट भी बोलते हैं, इशिहरा टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल धामेलिया, आप सभी का वेल्डिंग नॉलेज हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जिन लोगों को एनडीटी लेवल 2 या लेवल 3 का ट्रेनिंग लेना है, या तो फिर इसका रिन्यूअल भी करवाना है, तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। यहाँ पे मैंने दोनों नंबर दे दिए गए हैं, यहाँ पे एक दीपेश पटेल का नंबर है, एक विशाल धामेलिया मेरा खुद का नंबर है। ठीक है, ओके, जिसको सी स्वीप बिगेस और नेस या एपीआई का कोई क्वेश्चनरी चाहिए तो हमसे वो डेफिनेटली कॉन्टेक्ट कर सकता है। ठीक है, ओके, जनरली विजन एग्जामिनेशन SNTTC 1A या तो CP जो 189 है वो क्या बोलता है, SNTTC 1A और CP 189, ये जो है उसमें क्लियर एज का पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन किया गया है कि भाई आप लोगों को, अगर आप लोगों को एनडीटी लेवल 1 लेवल 2 या लेवल 3 भी करना है तो कलर ब्लाइंडनेस चेक करवाना चाहिए। वो लिखा कहाँ, तो ये टॉपिक में पढ़ लेता हूँ। विजन एग्जामिनेशन में कलर कॉन्ट्रास्ट डिफरेंशिएशन, उसमें क्या लिखा है, द एग्जामिनेशन शुड बी डेमोंस्ट्रेटेड कैपेबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग एंड द डिफरेंटिंग द कॉन्ट्रास्ट अमंग द कलर शेड ग्रे यूज अ मेथड ऑफ डिटरमाइन बाय द एम्प्लॉयर। तो सभी एम्प्लॉयर को ये टेस्ट करना जरूरी है। तो ये जो मैं अभी दिखाया है आपको, ये 38 प्लेट का ये चार्ट है। ठीक है, ओके, इसमें टोटल 38 प्लेट है, तो एक एक प्लेट क्या क्या कैसे कैसे किसको दिखता है, किसी को नॉर्मल आदमी है तो उसको कैसे दिखेगा, जिसको रेड ग्रीन इफिशियंसी है उसको कैसे दिखेगा, जिसको कोई डिफेक्ट है आंखों में दूसरा डिटोनापिया और नॉर्मलिया ऐसा करके, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला प्लेट है वो है सभी लोगों को दिखेगा, जिसको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है, नॉर्मल आदमी को भी है। 12 नंबर इसमें कितना दिख रहा है भाई, जोर से बोलो विश्वकर्मा जी, क्या दिख रहा है आपको, 12। तो ये जो है नंबर सबको दिखेगा, पहला प्लेट है सबको दिखेगा। दूसरा प्लेट है वो नॉर्मल पीपल है, उसको क्या दिखेगा, 8 नंबर दिखेगा। लेकिन जिसको रेड ग्रीन डिफिशियंसी है, जिसके आंखों में रेड ग्रीन का इफेक्ट है, उसको कैसा दिखेगा, वो नंबर 3 नंबर दिखेगा, इसको उसमें 3 नंबर दिखेगा। जो देखो ये बात सिंपल है, नया कोई रॉकेट नहीं है, पहला जो प्लेट है उसमें सभी लोगों को दिखेगा। इसके लिए मैंने लिखा है बोथ नॉर्मल एंड दोज हु हैव शॉर्ट कलर ब्लाइंड कलर विजन डिफिशियंसी रीड 12, इट्स मींस एवरीवन शुड सी द नंबर 12। सभी लोगों को ये 12 नंबर दिखेगा। अभी ये बात करते हैं प्लेट नंबर 2 की, तो प्लेट नंबर 2 है वो नॉर्मल पीपल को 8 नंबर दिखेगा, जिसको रेड ग्रीन डिफिशियंसी है उसको क्या दिखेगा, 3 नंबर दिखेगा। प्लेट नंबर थ्री जो है नॉर्मल पीपल है उसको क्या दिखेगा, 6 नंबर दिखेगा, और जो इसको रेड ग्रीन डिफिशियंसी है उसको 5 नंबर इसमें दिखेगा। ठीक है, ओके, प्लेट नंबर फोर है उसमें नॉर्मल पीपल है उसको 29 दिखेगा, जिसको रेड ग्रीन डिफिशियंसी है उसको 70 दिखेगा, क्या दिखेगा, 70। प्लेट नंबर फाइव है वो नॉर्मल पीपल को 57 दिखेगा, और जो रेड ग्रीन डिफिशियंसी है उसको क्या दिखेगा, 35
क्वालिफाई, तो आपको देखना है कि आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, ये मैं इसके लिए समझा रहा हूं क्योंकि किसी को कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है वो आप ये वीडियो देख के भी पता कर सकते हैं। नया कोई रॉकेट नहीं है, मैंने हाई क्वालिटी में इसको स्कैन करके मैंने बनाया है। ठीक है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नीचे भी लिखा है किसको क्या दिखेगा, वो भी मैंने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लेट नंबर 6 अगर है तो जो नॉर्मल पीपल है उसको क्या दिखेगा, ऐसा 5 नंबर दिखेगा। ठीक है, और जो रेड ग्रीन डिफिशियंसी है उसको क्या दिखेगा, 2 नंबर दिखेगा। ठीक है, प्लेट नंबर 7 इसमें जो नॉर्मल पीपल है, नॉर्मल मतलब जिसको कुछ डिफेक्ट नहीं है आंखों में वो, ठीक है, उसको 3 नंबर दिखेगा। जिसको रेड ग्रीन डिफिशियंसी है उसको 5 नंबर दिखेगा। जिस प्लेट नंबर 8 उसमें नॉर्मल पीपल को 15 नंबर दिखेगा और जो रेड ग्रीन डिफिशियंसी है उसको क्या दिखेगा, 17 नंबर दिखेगा। भाई जोर से बोलो। और प्लेट नंबर 9, प्लेट नंबर 9 जो है उसमें नॉर्मल पीपल है उसको क्या दिखेगा, 74, और जिन लोगों को रेड ग्रीन डिफिशियंसी है उसको 21 नंबर दिखेगा। ओके, अभी देखो ये प्लेट नंबर 10 है, उसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग है। नॉर्मल पीपल है उसको इसमें 2 दिखेगा, यहाँ पे है ना, ऐसा करके 2। अभी मैं तो मेरा आंख नॉर्मल है इसके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी जिसको रेड ग्रीन डिफिशियंसी होगा इसमें क्या लिखा है मैंने, मेजोरिटी ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू रीड और रीड देम इनकरेक्ट। अगर नॉर्मल पीपल है उसको क्या दिखेगा, 2 दिखेगा, लेकिन जिसको रेड ग्रीन डिफिशियंसी है उसको इसमें कुछ दिखेगा ही नहीं। अगर दिखेगा भी तो वो कुछ अलग ही कुछ बोलेगा कि 2 की जगह है ना 8-10 जो भी है उसके हिसाब से अलग ही कुछ आंसर मिलेगा आपको, समझे। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लेट नंबर 11 है, नॉर्मल पीपल को क्या दिखेगा, 6 दिखेगा, लेकिन जिसको रेड ग्रीन डिफिशियंसी है उसको क्या लिखा है, मेजोरिटी ऑफ पीपल नॉट एबल टू रीड और रीड देम इनकरेक्टली। मतलब नॉर्मल पीपल जो है वही 6 देख सकता है, बाकी जो कलर ब्लाइंडनेस जिसको रेड ग्रीन डिफिशियंसी है उसको कुछ दिखेगा नहीं, और दिखेगा भी तो गलत ही कुछ आंसर देगा, 6 की जगह कुछ और ही आंसर देगा। ठीक है, ओके, ये है हमारा प्लेट नंबर 12। इसको नॉर्मल पीपल में 97 दिखेगा, बाकी जिसको रेड ग्रीन डिफिशियंसी है वो कुछ गलत ही आंसर देगा। ठीक है, उसके बाद प्लेट नंबर एक गया क्या, प्लेट नंबर 13 उसमें 45 नंबर दिखेगा नॉर्मल पीपल को, बाकी मेजोरिटी को जो दूसरे को कलर जो भी है कलर ब्लाइंडनेस है या तो फिर रेड ग्रीन डिफिशियंसी है उसको कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, प्लेट नंबर 14 उसको 5 नंबर दिखेगा, यहां पे है ना 5, ऐसा करके। ठीक है, तो ये 5 नंबर दिखेगा, बाकी रेड ग्रीन डिफिशियंसी है वो नहीं पहचान पाएगा इसको कुछ भी। प्लेट नंबर 15 है उसको 7 नंबर दिखेगा, जिसको रेड ग्रीन डिफिशियंसी है उसको कुछ नहीं पता चलेगा। प्लेट नंबर 16 एक ही एक कॉम्बो है। ठीक है, 16 में 16 नंबर ही है तो कंफ्यूज नहीं होने का कि ये 16 को तो 16 नंबर दिखेगा इसमें, यहाँ पे है ना, ऐसा करके है। ठीक है, तो ऐसा तो ये 16 नंबर दिखेगा, 16 नंबर प्लेट ही एक ऐसा है जिसमें 16 का नंबर का 16 दिया है। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लेने का, 16 नंबर को 16 दिखेगा, बाकी मेजोरिटी पीपल को और कुछ नहीं दिखेगा। मेजोरिटी मतलब कौन, जिसको डिफेक्ट है वो। ठीक है, ओके, प्लेट नंबर 17 उसमें क्या दिखेगा, 73 नंबर दिखेगा। जिन लोगों को नॉर्मल पीपल है उसको 73 दिखेगा, जो लोग रेड ग्रीन डिफिशियंसी है उसको कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे अभी देखो 18 नंबर का प्लेट से नया ट्विस्ट है, 18 नंबर का प्लेट है और नॉर्मल पीपल को कुछ नहीं दिखने वाला। भाई नॉर्मल पीपल को इसमें कुछ नहीं दिखेगा, जे लेकिन जिसको रेड ग्रीन डिफिशियंसी है उसको क्या दिखेगा, 5 नंबर दिखेगा। ठीक है, ये ध्यान रखने का। ओके, 19 नंबर में भी ऐसा ही अभी ट्विस्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, और भी ट्विस्ट आएंगे बहुत सारे, तो आप पूरे के पूरा वीडियो एंड तक देखिए। देखो नॉर्मल पीपल को ये 19 नंबर का प्लेट है, इसमें 19 नंबर प्लेट है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैं यही प्लेट को ऐसा किया है, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ऐसा करते करते इसमें टोटल 38 प्लेट है। ठीक है, तो मैं 19 नंबर का प्लेट की बात कर रहा हूँ, तो ये 19 नंबर का प्लेट है उसमें नॉर्मल पीपल को क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। आपको कुछ दिख रहा है अभय जी, यादव जी? ओ चाचा, कुछ नहीं दिखा, तब ठीक है। अगर दिखा तो समझो कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, गड़बड़ है, कुछ दिखना नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, ओके, रेड ग्रीन डिफिशियंसी है उसमें क्या दिखेगा, रेड ग्रीन डिफिशियंसी जिसको आंखों में प्रॉब्लम है उसको इसमें 2 नंबर दिखेगा, याद रखो। ओके, इसके बाद
ये 20 नंबर है उसमें भी नॉर्मल पीपल को क्या दिखे, कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन जिसको रेड ग्रीन डिफिशियंसी है उसको 45 नंबर दिखेगा। ओके, अभी थोड़े बाद के बाद अभी ट्विस्ट स्टार्ट होगा। 21 नंबर है नॉर्मल पीपल को कुछ नहीं दिखेगा, 21 नंबर प्लेट नंबर 21, प्लेट नंबर 21, ठीक है। तो प्लेट नंबर 21 में आपको इसमें से भी निकाल के देता हूँ, ये प्लेट नंबर 21 है, ठीक है, यहाँ पे नीचे 21 लिखा है, ठीक है जी। ओके, अभी देखो ये प्लेट नंबर 21 में कुछ नहीं दिखेगा, जो नॉर्मल पीपल है उसको, जिसको डिफिशियंसी है रेड ग्रीन का, उसको 73 नंबर दिखेगा, ठीक है। चाचा आपको नहीं दिख रहा है ना 73 नंबर, तब ठीक है। ओके, अभी देखिए, अभी यहां से ट्विस्ट स्टार्ट हुआ 22 नंबर प्लेट से। प्लेट नंबर 22 जो है उसमें थोड़ा गड़बड़ स्टार्ट होगा और डिफिशियंसी ऐड हो रहा है। याद रखो प्लेट नंबर 22 नॉर्मल पीपल को क्या दिखेगा, 26 नंबर दिखेगा, लेकिन जिसको प्रोटानोपिया है और जिसको स्ट्रॉन्ग प्रोटानोमालिया डिफेक्ट है आंखों में, उसको क्या नंबर दिखेगा, 6 नंबर दिखेगा। इसमें नॉर्मल पीपल को क्या दिखेगा, 26 नंबर दिखेगा, लेकिन जिसको प्रोटानोपिया है, जिसको स्ट्रॉन्ग प्रोटानोमालिया है, उसको 6 नंबर दिखेगा। मालिया मतलब वो विजय मालिया नहीं, ठीक है, प्रोटानोमालिया ऐसा करके आपको पढ़ना है, प्रोटानोमालिया, ठीक है। दूसरी बात, ड्यूटेरानोपिया एंड स्ट्रॉन्ग ड्यूटेरानोमालिया, उसको क्या दिखेगा, 2 नंबर दिखेगा। तो यहां पे डिफेक्ट ऐड हुआ, अभी तक रेड ग्रीन डिफिशियंसी हम बात कर रहे थे, नॉर्मल पीपल की बात कर रहे थे, और डिफिशियंसी यहां पे है, ये है प्रोटानोपिया एंड स्ट्रॉन्ग प्रोटानोमालिया, दूसरा डिफेक्ट है ड्यूटेरानोपिया एंड ड्यूटेरानोमालिया ऐसा करके, ठीक है। तो 26 ये जो है हमारा 22 नंबर का प्लेट, उसमें नॉर्मल पीपल को 26 दिखेगा, बाकी ये प्रोटानोमालिया है उसको 6 और ड्यूटेरानोमालिया है उसको 2। अभी देखो 23 नंबर का प्लेट है, तो नॉर्मल पीपल को क्या दिखेगा, 42 नंबर दिखेगा, लेकिन प्रोटानोपिया एंड स्ट्रॉन्ग प्रोटानोमालिया है ना, उसको 2 नंबर दिखेगा, और ड्यूटेरानोपिया एंड ड्यूटेरानोमालिया उसको 4 नंबर दिखेगा, ठीक है। ये डिफेक्ट है भाई, आंखों का डिफेक्ट है। अभी आप बोलेंगे कि यार आप कहां मेडिकल साइंस में गिर गए, लेकिन भाई हमको पता होना चाहिए, ये आप एनडीटी लेवल 3 करने जा रहे हैं तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। इसके लिए ये सब चीज मैंने कहां से लिखा है, मैंने कहा भाई कोई रॉकेट नहीं है, मैं ये बुक जो है इसके पीछे बुक भी समझाया हुआ रहता है, तो ये बुक के पीछे अंदर जो लिखा है वही मैंने पढ़ रहा हूं, वही मैंने यहां पे कंक्लूजन के तौर पे लिखा है। ये बुक पूरा करेंगे तो फट जाएगी, एक दिन लग जाएगा आपको पूरा याद करने में, इससे मैं यहां पे पूरा का पूरा उसका एक सार निकाला है, ठीक है। ओके, 24 नंबर का प्लेट है, उसमें नॉर्मल पीपल को क्या दिखेगा, 35 नंबर दिखेगा, और जिन लोगों को प्रोटानोपिया है, जिन लोगों को स्ट्रॉन्ग प्रोटानोमालिया है, उसको क्या दिखेगा, 5 नंबर दिखेगा। आपको नहीं दिख रहा है ना चाचा, तब ठीक है। डिटोनोपिया एंड ड्यूटेरानोमालिया, उसको क्या दिखेगा, 3 नंबर दिखेगा। इसके बाद प्लेट नंबर 25 है, एक लास्ट, इसके बाद ट्विस्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। प्लेट नंबर 25 है, उसमें नॉर्मल पीपल को क्या दिखेगा, 96, और प्रोटानोपिया एंड स्ट्रॉन्ग प्रोटानोमालिया, उसको क्या दिखेगा, 6। और ये मैं बोल रहा हूँ प्रोटानोमालिया ये है क्या, ये आंखों का डिफेक्ट है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आंखों का डिफेक्ट है। ओके, और ड्यूटेरानोपिया एंड स्ट्रॉन्ग ड्यूटेरानोमालिया, उसको क्या दिखेगा, विजय मालिया को 9 नंबर दिखेगा। विजय मालिया को दिखेगा या ड्यूटेरानोमालिया को दिखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां से थोड़ा ट्विस्ट स्टार्ट हो रहा है, आपको ये लाइन को फॉलो करना है। अभी क्या करना है, फॉलो करना है। अभी देखो 26 नंबर का प्लेट, 27 नंबर का प्लेट, नॉर्मल पीपल पर्पल एंड रेड लाइन दिखेगा और वो प्रॉपरली फॉलो भी कर पाएंगे। अभी मैं फॉलो करके दिखाता हूं, यहां से स्टार्ट हुआ ऐसा ऐसा करके, ये इसको फॉलो करना बोलते हैं, लाइन प्रॉपरली ट्रेस करना, क्या बोलते हैं, ट्रेस। तो बुक में क्या वर्ड लिखा है, ट्रेस करना, ऐसा लिखा। हम लोग फॉलो समझते हैं, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में आप लोग हमको फॉलो कर रहे हैं ना, हम भी आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, फॉलो करने का। आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा फॉलो है, ठीक है। ओके, नॉर्मल पीपल है वो प्रॉपर फॉलो कर पाएंगे, लेकिन जिसको प्रोटानोपिया है, जिसको स्ट्रॉन्ग प्रोटानोमालिया है, उसको ओनली पर्पल लाइन ही दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा, वो फॉलो भी नहीं कर पाएगा। मीडियम प्रोटानोमालिया है वो, उसको
बोथ लाइन तो दिखेगा लेकिन पर्पल लाइन को ही वो खाली फॉलो कर पाएगा, पर्पल लाइन है ना उसी को फॉलो कर पाएगा। ओके, जिसको ड्यूटेरोनापिया है और स्ट्रॉन्ग ड्यूटेरोनापिया है ओनली रेड लाइन ही वो ट्रेस कर पाएगा, और मीडियम वो देखो ये है ना स्ट्रॉन्ग ड्यूटेरोनामेलिया, मीडियम ड्यूटेरोनामेलिया वो जो है वो थोड़ा इजीली उसको खाली रेड लाइन को ही देख पाएगा। तो यहाँ पे ये आपको समझना है, इसको भी आप फॉलो करके दिखाइए, यहाँ से ऐसे ऐसे करके, गलती नहीं हुआ ना यादव जी? तब ठीक है। ओके, इसमें भी ऐसा है, देखो 28 नंबर 29 नंबर इसमें आपको फॉलो करना है। क्या लिखा है? नथिंग और नो एनी नंबर रीडेबल। इसमें कुछ नंबर रीडेबल है? कुछ भी नंबर रीडेबल नहीं है, तो नॉर्मल लोगों को कुछ इसमें दिखेगा नहीं, लेकिन लाइन को आपको फॉलो करना है तो फॉलो कर पाएंगे? नहीं, नहीं, हैं? अरे कर लेंगे, देखो हैं? तो क्या लिखा है इसमें? नॉर्मल व्यू जो है नथिंग और नो एनी नंबर रीडेबल, और वो कुछ भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। अगर रेड वालों ने ऐसा ऐसा करके, नॉर्मल पीपल ने ऐसा ऐसा करके निकल गए बाहर, तो समझो कुछ ना कुछ नॉर्मल पीपल को प्रॉब्लम है आंखों में, नॉर्मल आदमी को। लेकिन यहाँ लिखा है ये नॉर्मल आदमी को कुछ भी नहीं दिखेगा, इसमें भी कुछ नहीं दिख रहा है, उसमें भी कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, जिसको रेड ग्रीन डिफिशियंसी है वो ट्रेस अलोंग द लाइन, उसको लाइन बराबर यहाँ से ट्रेस करेगा और यहाँ निकल जाएगा, वो फॉलो करके ऐसे बाहर निकल जाएगा। यादव जी ठीक है? ओके चाचा, अभी आपका नंबर। नॉर्मल कलर ब्लाइंडनेस जिसको है, कैसा? नॉर्मल कलर ब्लाइंडनेस, और टोटल कलर ब्लाइंडनेस है उसको, वीक थोड़ा है, थोड़ा वीक भी है। टोटल कलर ब्लाइंडनेस मतलब पूरा कलर ब्लाइंडनेस, लेकिन नॉर्मल मतलब थोड़ा, और यहाँ पे और एक वर्ड लिखा ना वीकेंड, मतलब स्टार्ट हुआ है, थोड़ा वीकनेस स्टार्ट हुआ है। उन लोगों को भी ये अनेबल टू फॉलो द लाइन, वो ये फॉलो लाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है? दोनों में आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर 31 नंबर इसमें क्या है? नॉर्मल पीपल को ब्लूइश एंड ग्रीन लाइन दिखेगा। कैसा दिखेगा? ब्लूइश ग्रीन लाइन एंड एबल टू फॉलो द लाइन। क्या लिखा है? फॉलो लाइन कर सकता है, ब्लूइश एंड ग्रीन लाइन दिखेगा। तो शायद यहां से ऐसे वो जाएगा, ठीक है? यहाँ से ऐसे ऐसे करके वो चलो घुसा, तो यहाँ से वो बाहर निकल गया, ठीक है? तो यहाँ से घुसा, यहाँ पे बाहर निकला, तो ये नॉर्मल आदमी कर सकता है। लेकिन जिसको कलर विजन डिफिशियंसी है, कलर विजन डिफिशियंसी है, उसको नथिंग और अनेबल टू ट्रेस द लाइन, उसको कुछ दिखेगा ही नहीं, वो ट्रेस भी नहीं कर पाएगा, ठीक है? दोनों में ऐसा है, यहाँ से भी यहाँ पे घुसो और यहाँ से ऐसा बाहर निकलो, ठीक है? ऐसा होता है। तो बाकी कलर ब्लाइंडनेस जिसको है, कलर विजन डिफिशियंसी है, उसको क्या होगा? कुछ घंटा नहीं दिखने वाला है। और एक और इसके बाद ये 33 नंबर 32 नंबर 33 नंबर इसमें भी ऑरेंज लाइन एंड एबल टू फॉलो। क्या लिखा है? ऑरेंज लाइन एंड एबल टू फॉलो। तो आपको अगर फॉलो करना है ऑरेंज लाइन, तो ये ऑरेंज लाइन है, देखो। ओ यादव जी, चाचा आपका आंख बराबर होना चाहिए वरना कांड हो जाएगा, दिखेगा नहीं। ए यहाँ पे देखो, ये फॉलो किया हमने, देखा? ये सब फॉलो कर सकता है, लेकिन ये नॉर्मल आदमी है वो। लेकिन जिसको कलर विजन डिफिशियंसी है, उसको नथिंग और अनेबल टू फॉलो द लाइन, उसको कुछ दिखेगा ही नहीं और वो फॉलो भी नहीं कर पाएगा, याद रखो। उसके बाद ये 33 34 नंबर इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, ग्रीन ब्लूइश लाइन एंड येलोइश ग्रीन लाइन एबल टू फॉलो। तो इसको आप फॉलो तो कर सकते हैं, नॉर्मल पीपल है, ये गलत हो गया है, ठीक है? यहाँ से ऐसे घुसा, यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे यहाँ बाहर निकला, यहाँ पे भी ऐसे हो गया, ऐसा करके बाहर निकला, ठीक है? तो ऐसा है, नॉर्मल पीपल तो ये सब चीज कर सकता है, लेकिन जिसको ग्रीन रेड ग्रीन डिफिशियंसी है, उसको ब्लूइश ग्रीन और पर्पल लाइन दिखेगा, और दोज विद टोटल कलर ब्लाइंडनेस एंड विकेड आर नॉट फॉलो द ट्रेस द लाइन, वो टोटल जिसको कलर ब्लाइंडनेस है वो फॉलो नहीं कर पाएगा। ओके, यहाँ पे एक लास्ट बचा है, ये 36 37 नंबर इसमें भी ऐसा है कि पर्पल लाइन आप एबल टू फॉलो, यहाँ से आप एबल टू फॉलो कर पाएंगे, ऐसा करके एकदम इजी है। तो जल्दी जल्दी मैं खत्म करता हूँ सेशन को। रेड ग्रीन डिफिशियंसी है, उसको पर्पल एंड ब्लूइश ग्रीन लाइन दिखेगा, एंड दोस्तों टोटल का आगे का जो प्लेट है 38 नंबर का प्लेट, तो हमने इसमें देखा कि पहला, सबसे पहला प्लेट था वो कौन सा था?
पहला प्लेट जो था वन नंबर, उसमें 12 नंबर सबको दिख रहा था। तो ऐसे जो ये जो प्लेट है लास्ट प्लेट है, अभी ये लास्ट टॉपिक हमारा फिनिश हो रहा है, हमारा सेशन फिनिश हो रहा है। 38 नंबर का ये जो प्लेट है उसमें सभी लोग क्या लिखा है, बहुत नॉर्मल एंड दोज हु हैव अ शॉर्ट ऑफ द कलर विजन इफिशियंसी, जिसको कलर विजन डिफिशियंसी है वो लोग इसको ट्रेस भी कर पाएंगे, नॉर्मल पीपल को ट्रेस कर पाएगा, सब लोग इसको ट्रेस कर पाएंगे, ठीक है, और इसको दिखेगा भी। तो ये दो प्लेट ऐसा है जो सबको सब दिखेगा, सब नंबर भी पढ़ पाए, भले इसमें नंबर नहीं है। पहला वाला प्लेट में था हमारा 12 नंबर था, कितना नंबर था, 12 नंबर था, ठीक है, ये पहला प्लेट था इसमें 12 नंबर था, तो वो एक खाली एक सबको दिखेगा, और लास्ट वाला प्लेट है उसमें सबको ये ट्रेस लाइन कर सकता है। तो यहां पे सेशन क्लोज होता है, थैंक यू वेरी मच। ओके, ये नियर विजन हम एक्यूरेसी है J1 J2 J3 वो आगे का सेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन था कलर ब्लाइंडनेस कैसे पता करना, इसी की वजह से ये वीडियो अभी यूट्यूब में हम लोग इसको डाल देंगे, ताकि ऑफलाइन वाले को तो यहाँ पे हो ही गया है। चाचा समझ में आया ये पूरा? यस सर। जोर से बोलो विश्वकर्मा जी। ओके वेरी गुड, तो यहाँ पे ये सेशन क्लोज होता है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच।